प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर कैमरे से रूबरू हैं पटना सिटी के भद्रघाट पे। पीछे बोर्ड में दिख रहा होगा भद्रघाट पटना सिटी में। 9 दिन का नवरात्र था, कल दशहरा रहा। दशहरा के दिन रावण वध हुआ, असत्य पे सत्य की जीत हुई और आज माता रानी की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग आ गए हैं लेके। बहुत ही भावुक क्षण है। 9 दिन काफी हर्षोल्लास और उत्साह से भरा हुआ था। जी का, माता रानी का, माँ दुर्गा का विसर्जन हो रहा है, गंगा में वो समाहित हो रहे हैं। भावुक क्षण है। अगले साल फिर जल्दी दुर्गा पूजा आए, इसी उम्मीद के साथ माता रानी का विसर्जन करने लोग आ रहे हैं और हम भी इसी उम्मीद में माता रानी का विसर्जन देखने के लिए भद्रघाट पटना सिटी में आए हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं कैमरे के माध्यम से। मैं आप सबको मैं दिखाता हूं कि माता रानी की प्रतिमा कैसे विसर्जित हो रही है, आप लोग देखें। और अगर ये अच्छा लगे वीडियो, ये ब्लॉग, तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दे के बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो और ब्लॉग अच्छा लगेगा। कैमरे के साथ लिए चलता हूँ, आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, देखें, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखें घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे हैं और भीड़ इस लेवल का है कि लगता ही नहीं कि सारी रात ये भीड़ खत्म होगा और विसर्जन का, ये प्रतिमा विसर्जन का पूरी रात ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैमरे के माध्यम से। ये भद्रघाट पूरे तरीके से सजा हुआ है विसर्जन के लिए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, किसी भी अप्रिय घटना को बचने के लिए और बचाने के लिए। इस सामने से प्रतिमा आता हुआ देखिए माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए तैयार। आप भी ये विसर्जन का आनंद ले पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। बहुत सारे श्रद्धालु जो माता की प्रतिमा विसर्जन करने को आए हैं। ये और प्रतिमा है विसर्जन करने के लिए सारे श्रद्धालु भक्त लेके आए हैं। ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सतीश एसआरएस के माध्यम से देख पा रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फीडबैक जरूर दिखें कि ये वीडियो है कैसा। भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन को तैयार है। ये पटना सिटी भद्रघाट जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की जा रही है। नवरात्र तो खत्म हो गया, कल रावण दहन भी हो गया, असत्य पे सत्य की जीत हो गई
आज माता की प्रतिमा विसर्जित की जा रही है। आप कैमरे से देख पा रहे हैं, ये पटना सिटी भद्रघाट का लोकेशन है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो पाए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, ये देखिए एक और प्रतिमा आया। जय जय। जय जय जय। ये देखिए ये महिषासुर, ये भी विसर्जित होने के लिए तैयार पूरी तरीके से। और यहाँ लोगों का जमावड़ा, तिरंगा झंडा लिए लोग माता का जयकारा मना रहे हैं। ये देखिए गणेश जी को भी उतारा जा रहा विसर्जन के लिए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। ये देखिए गणपति महाराज को भी विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं श्रद्धालु। गणपति बप्पा, गणपति महाराज की प्रतिमा विसर्जन के लिए भी तैयार, श्रद्धालु सारे लेके आए हैं। ये सारे श्रद्धालु, सारे भक्त माता रानी की प्रतिमा लेको विसर्जन करने के लिए आए हैं गंगा किनारे। ये गंगा के किनारे हैं भद्रघाट पे। और ये लेफ्ट साइड में आपको महात्मा गांधी सेतु दिख रहा है, एकदम लाइन जैसा कैमरे में, पूरे लाइन जैसा। ये कमोबेश 7 किलोमीटर का ये क्रॉस द रिवर ब्रिज है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना भव्य लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए माता रानी की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए भक्तजन लेके जाने को तैयार हैं। जय माता दी। ये देखिए माता रानी की प्रतिमा विसर्जित करके लोग जा रहे हैं वापस। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और ये देखिए साथ में हैं सुमित जी हैं, ये चंदन जी हैं, ये लोग भी प्रतिमा विसर्जित करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसका पूरा ध्यान रखने के लिए तैनात हैं। सुमित जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मूर्ति विसर्जन जो है ये कल से चालू है यहाँ भद्रघाट पे। अभी इस समय हम लोग मतलब दशहरा से, कल जो दशमी का दिन, दशमी के दिन से चालू है। और हम लोग जो है यहाँ पर कल भी आए थे
और आज भी आकर के प्रशासन की पूरी सहयोग मिल रही है, सहयोग है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। और आप जरा हम कहेंगे कि इधर से इधर जरा दिखाइए इस साइड में, ये जो आप जो देख रहे हैं ये जो पब्लिक आ रही है इधर से, ये एक्चुअली मूर्ति का आने का यही मार्ग है, यही रास्ता है, यही रास्ता है, इधर से मूर्ति को लेके आना है। ये सामने जो दिख रहा है मूर्ति का विसर्जन करके, अच्छा, और आदमी कंगन घाट, मतलब यहाँ मूर्ति इधर से आएंगे विसर्जन करके और इधर से चले जाएंगे, रास्ते में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ये जो लोकेशन है अभी जहाँ पे भी हम लोग हैं, इसको भद्र घाट कहते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे मतलब जो भी पर्व त्योहार होता है तो गंगा जी लोग स्नान के लिए यही आना पसंद करते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। और ये सामने देख रहे हैं ये मंदिर है भद्र घाट में, यहाँ पे भी काफी ज्यादा देखिए इधर पूरा आपने तो लिया ही होगा इसमें काफी मूर्ति विसर्जन हो चुकी है और ये कल तक ये कार्यक्रम चलता है। चंदन जी भी साथ में हैं, कल शाम 5 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम, कल 5 बजे तक। यहाँ के सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ के पब्लिक जो है बहुत ही सपोर्ट, मतलब हर चीज को सपोर्टिंग किस्म के आदमी है, यहाँ किसी भी तरह का सबको सपोर्ट कर रही है, लोकल पब्लिक, यहाँ के लड़के, यहाँ की यंग जनरेशन, कोई मतलब नहीं है, वो भी पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल कि भाई किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, घटना ना हो, इसके लिए बहुत अच्छा लगा है, बहुत कम देखने का आज के डेट में मिलता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, धन्यवाद सुमित जी। और ये है भद्र घाट, भद्रघाट मोड़ अशोक राजपथ, आप देख पा रहे हैं। और भद्रघाट पे ये देखो ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर, यहाँ बजरंगबली भी विराजमान है। ये माँ गंगा मंदिर द्वार है, एक और प्रतिमा विसर्जन के लिए पूरी टीम आ गई, ये देखिए पूरे उत्साह से भरे हुए लोग। मन में मलाल भी होगा कि 9 दिन से माता की पूजा की जा रही थी और आज माँ दुर्गा की विसर्जन करने के लिए लोग आए हैं। जय, ये देखिए प्रतिमा, और ये रास्ता है अशोक राजपथ से भद्रघाट आने का, जहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए प्रतिमा आने का ये रास्ता है। आप इधर से आएंगे, यही रास्ता है जो अशोक राजपथ से कनेक्ट होता है, सीधे भद्रघाट आ पाएंगे। जैसे कि अभी आपने एक देखा कि प्रतिमा आ रही थी, और ये सामने भद्रघाट जहां प्रतिमा विसर्जन के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एक और प्रतिमा माता रानी का विसर्जन के लिए सारे श्रद्धालु लेके आ रहे हैं, आप देखिए ये माता रानी की प्रतिमा है, सारे श्रद्धालु लेके आए हैं विसर्जन करने के लिए।
अब काफी रात हो चुका है, लौटते हैं अपने आसियाने की तरफ क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी जाना है और काफी रात भी हो गया है। फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, किसी अगले वीडियो में इसी तरह। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो अपने फीडबैक जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।